वजह से अब मुझे भगवान से सजा मिलेगी। क्या मुझे पूरे जीवन भर इसी रूप में रहना पड़ेगा? इसी क्षण से राक्षस की उपस्थिति ने कैमेलॉट साम्राज्य में हलचल मचा दी थी। राजा को नागरिकों के विश्वास और सुरक्षा को वापस पाने के लिए एक रास्ता खोजना था। महाराज, अभी अभी खबर आई है कि जंगल में एक नया राक्षस घूम रहा है जिसने कई और लोगों और पशुओं को नुकसान पहुंचाया है। हमने भी बहुत से लोगों को भेजा है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हराने में कामयाब नहीं हुआ। महाराज, आप यहाँ प्रतिभाशाली योद्धाओं की तलाश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो ये कार्य कर सकता हो। मैंने भी इसके बारे में सोचा था, ये बहुत खतरनाक होगा। उन लोगों की स्थिति को समझने के लिए एक विनम्र, दिले, साहसी, निडर और शांत दिमाग वाले व्यक्ति की जरूरत है। महाराज, हमारे कैमेलॉट राज्य में निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो हमारी इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस अवसर का उपयोग उचित उत्तराधिकारी को खोजने के लिए भी कर सकता हूँ। महाराज, राजकुमार लैंसलेट के बारे में क्या? वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मेरा बेटा, वो प्रतिभाशाली है लेकिन उसके पास कोई गुण नहीं है। क्या उसके जैसा अभिमानी और घमंडी व्यक्ति सही लोगों को ढूंढ सकता है और दिल जीत सकता है? तुम बस किसी को खोजने की घोषणा कर दो। आपको बस इतना करना है कि हम ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश कर रहे हैं जो देश के लिए राक्षस को नष्ट करने का साहस रखते हो। महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन क्या इसका कारण जान सकता हूँ? मैं उत्तराधिकारी खोजने के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो देश के लिए बलिदान दे सके। ठीक, मैं समझ गया। मेरे पिता को अपने बेटे पर विश्वास क्यों नहीं है? तब मैं अपने पिता को ये साबित करने के लिए इस प्रतियोगिता में शामिल होऊंगा कि मैं पूरी तरीके से योग्य हूँ। राजा के घोषणा के बाद कई युवक उत्साहित हो उठे और भाग लेने के लिए महल पहुँचे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार लैंसलॉट भी अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए शामिल होना चाहते थे। सभी प्रतियोगिताओं में से आर्थर पेंड्रागोन नाम का एक प्रतिभाशाली युवक था। आर्थर ने प्रतियोगिता में भाग लिया क्योंकि वो देश की रक्षा और उसके लिए अपना योगदान देना चाहता था। तुम कौन हो? राजकुमार के इतने करीब आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे राजकुमार, आपके साथ चलना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम भी होशियार हो, अब से तुम मेरे सहयोगी बनोगे। धन्यवाद राजकुमार, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओह, राजकुमार का कोई पीछा कर रहा है, बस चापलूसी करने वाला व्यक्ति। सब लोग ध्यान दो, हमारे राजा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहादुर योद्धाओं, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस राक्षस को हरा सकते हैं जो हमारे राज्य को तबाह कर रहा है। युवकों, आने वाली लड़ाई करने के लिए मैंने कई हथियार बनवाए हैं। कृपया अपने लिए कोई एक हथियार चुने जो आपके लिए सही हो। याद रखें, हम एक दूसरे पर हमला करना स्वीकार नहीं कर सकते। जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसे तुरंत अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। कैम्पलेट के लिए, कैम्पलेट के लिए। हर बार जब ऑर्थर कोई तलवार पाने की कोशिश करता तो कोई और उसके लिए लड़ता और ले जाता। अपने छोटे से शरीर के साथ ऑर्थर ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उसे नजरअंदाज कर दिया। राजकुमार लैंसलॉट कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने अनुभव से लैंसलॉट ये जान सका कि कौन सी तलवार एक अच्छी तलवार है। इसके कारण उसने सबसे अच्छी तरह से तैयार, सबसे मजबूत और सबसे सुंदर तलवार ढूंढ ली।
ये शायद पौराणिक तलवार एक्सकैलिबर है। मैं हूँ जिसने इसे प्राप्त किया। राजकुमार की इतनी अच्छी नजर है, क्या तुम्हें कोई हथियार नहीं मिला? मुझे अभी तक कोई सही हथियार नहीं मिला। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रुको, क्या तुम जानते हो कि राजकुमार लैंसलॉट है? तुम राजकुमार पर हमला करना चाहते हो? एक कायर। तुम्हें अपना हथियार मिल गया। एक कायर जिसके पास जंग लगी तलवार है, तुम इसी के योग्य हो। क्या तुम यहाँ खेलने आए थे? उनकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं है। तो भाग्य हमें साथ लेकर आया है। जल्द ही राजकुमार लैंसलॉट और उनके लोगों ने सोए हुए राक्षस को ढूंढ लिया। वे उसे खत्म करने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी तलवार राक्षस के स्टील जैसे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये काम नहीं कर रहा। आगे क्या करना है? यहाँ मेरे पास मत आओ। राक्षस ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि कोई भी कायर व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाए। बहुत डरे हुए और असहाय हर कोई असली उद्देश्य को भूलकर भाग गया। केवल छोटा ऑर्थर वहाँ रह गया। तुम यहीं रहो और मेरे लिए उसे पकड़ो। राजकुमार। कायर, वो दूसरे को खतरे में डालने की हिम्मत कर सकता है। मैं भाग नहीं सकता, मुझे लड़ना होगा। मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दुर्बलों की राक्षस के लिए साहस और भावना के साथ पौराणिक तलवार एस्केलिबर जाग उठी थी। जंग लगी हुई बाहरी परत उतर गई। तलवार पहले से ही कई ज्यादा चमकी और तेज हो गई, जिससे ऑर्थर को चमत्कारिक रूप से चुनौती से उभरने में मदद मिली। मुझे वो व्यक्ति मिल गया है जिसे तलवार एक्सकैलिबर द्वारा चुना गया है। ये अद्भुत बात है कि नायकों योद्धाओं ने बहुत अधिक नुकसान किए बिना सफलता पूर्वक राक्षस को हरा दिया। कैंपलेट के लोगों की ओर से मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। महाराज कृपया ऐसा ना करें। महाराज आप, मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, मैं इतनी मदद नहीं कर सकता, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर क्यों नहीं झुका सकता जिसने इस राज्य की रक्षा अपने जीवन से बढ़कर की। इसके अलावा मैं घोषणा भी करना चाहता हूँ, लड़ाई के बाद आप लोग सबसे योग्य व्यक्ति आर्थर को भी जान जाएंगे। ये आदमी राक्षस का सामना करने के लिए डट कर खड़ा रहा और उसे हरा दिया। इस असीम साहस की बदौलत एक भी व्यक्ति को मरना नहीं पड़ा। लड़ने के लिए खड़े होने की हिम्मत करी, तुम्हारे अंदर बहुत साहस है। बाकी लोगों के उकसाने के बाद भी बिना गुस्सा किए उनका सामना किया और अपने दिमाग को शांत रखा। और सबसे बड़ी बात, तुमने पिछले टकराव को छोड़कर अन्य लोगों के जीवन को बचाया है। तुम्हारा एक अनमोल दयालु हृदय है। पौराणिक तलवार ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा इनाम क्या है? महाराज मेरा मकसद सिर्फ लोगों की रक्षा करना है, मुझे बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, एक व्यक्ति जो प्रतिभाशाली और गुणी दोनों है, एक बुद्धिमान राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिताजी मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करना चाहूँगा। राजकुमार स्पष्ट कहो। आपने कहा है कि इस आर्थर ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। वो राक्षस को हराने में केवल भाग्यशाली था और राक्षस पहले से ही मेरे और बाकी सभी के हमलों से थक गया था। सही, उसने मदद क्यों नहीं की? ऐसा व्यक्ति योद्धा कैसे हो सकता है? आर्थर मैं तुम्हें बिना हथियारों के मेरे साथ मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। लैंसलॉट, ये खेलने के लिए कोई जगह नहीं है।
आर्थर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इस राज्य के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। लैंसलॉट, आप राजा के आदेशों का विरोध करना चाहते हो? एक राजा को दूसरे का दिल जीतने में सक्षम होना चाहिए, फिर उसे साबित करने दीजिए कि वो एक शूरवीर को हरा सकता है। जो जीतेगा वो उत्तराधिकारी होगा। कायर, यदि तुम खुद से मेरे सामने नहीं जीत सकते तो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम केवल मेरे रास्ते का एक पत्थर हो। महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा, नहीं तो सब कुछ खत्म नहीं होगा। तुम कर सकते हो? मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मुकाबला, कोई हथियार नहीं, मुझे स्वीकार है। तलवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। ऑर्थल ने लैंसलॉट की चुनौती स्वीकार कर ली। उस लड़के के विश्वास ने दुष्ट राजकुमार को अपने धैर्य खोने पर मजबूर कर दिया। दोनों असली योद्धाओं की तरह लड़ रहे थे, लेकिन सबके सामने लैंसलॉट की ताकत आर्थर के लिए चिंता करने योग्य नहीं थी। आर्थर, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आर्थर के हाथ में अपनी कौशल का प्रदर्शन करते हुए पवित्र तलवार चमक उठी। क्या तुम जानते हो कि मुकाबले के नियमों को तोड़ने का क्या परिणाम है? यह तुम्हारी सजा है। आखिरकार ऐसे व्यक्ति का बलिदान व्यर्थ है। राजकुमार, अपने कार्यों पर विचार करो। आखिरकार राजकुमार की क्षमता भी कुछ कम नहीं है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े सैनिकों को भी उनसे जलन होती है। लेकिन आपका व्यवहार और चरित्र बहुत क्रूर है और आप हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मैं सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आर्थर प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देगा। राजकुमार लैंसलॉट, अब से आप नए राजा के निजी शूरवीर होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह असल में एक बुद्धिमान राजा की खोज है। मैंने सच में कोई गलत व्यक्ति नहीं चुना। बधाई हो महाराज। उनके बीच का मुकाबला कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया, लेकिन दूसरों के लिए अपने दिल की गहराई से इस युवा की नई राजा के रूप में प्रशंसा और सामना मिलना पर्याप्त था। मुझे इस परेशान करने वाली अजीब लड़की से शादी क्यों करनी है? नहीं, मैं इस बॉसी अमीर लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। लूसी और एडम दो महान परिवार के चुड़ैल थे। वे बचपन में ही सगाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और बड़े होने के बाद और सगाई के बारे में सुनकर वे दोनों वास्तव में क्रोधित थे, क्योंकि वे वास्तव में एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। सगाई के बारे में दोनों के अपने अपने विचार थे और उन्होंने इसे तोड़ने की हर तरह से कोशिश की। दोनों के परिवारों ने लूसी और एडम को एक साथ जोड़ने की हर तरह से कोशिश की। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित किया और उम्मीद की कि ये उन्हें करीब लाएगा। बच्चे वास्तव में गुस्से में थे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन उनके पास सहयोग करने और घर वापस जाने का रास्ता खोजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अगर मेरे माता पिता ने ऐसा करने के लिए मुझे नहीं कहा होता तो मैं आपके साथ कभी नहीं जाती। आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ? रोना बंद करो और मेरे साथ वापस घर आने का रास्ता खोजो। उन्हें एक साथ घर वापस जाने का रास्ता मिला। अचानक उन्होंने देखा कि काले रंग के दो आदमी उनकी ओर चल रहे हैं। वे खतरे को महसूस कर सकते थे और इसीलिए वे वहाँ से भाग गए। मेरा हाथ कस कर पकड़ो। दोनों बच्चों ने अपनी सारी ऊर्जा काले रंग के दो व्यक्ति से दूर भागने में लगा दी। वे शहर की ओर दौड़ते रहे और आखिरकार वो एक अंत तक पहुंच गए। काले रंग के दोनों लोगों ने बच्चों पर हमला करने के लिए अपनी छड़ी घुमाई। एडम ने न जानते हुए लूसी को अपने गले लगाया। अचानक उनके गले का आभूषण चमकने लगा, जिससे दोनों लोग डरकर भाग गए। मौत से बाल बाल बचने के बाद दोनों बच्चों ने जल्दी से घर वापस जाने का रास्ता ढूंढा और अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई।
1000 साल पहले मिलिंडा नाम की एक चुड़ैल थी। उसने निषिद्ध जादू का अभ्यास किया, इस दुनिया पर राज करने की साजिश के साथ अंधेरे रास्ते का अनुसरण किया। उसने सभी लोगों के लिए कई दयनीय चीजें पैदा की। मिलिंडा को एक मूर्ति में सील करने के लिए आपके पर दादा को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। हालांकि कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि मूर्ति को मिलिंडा के शिष्यों ने चुरा लिया है। हम बहुत चिंतित हैं और हमने सोचा कि ये सही समय है कि आपको अपने गहनों की सच्चाई पता चले। लूसी का सफेद वाला प्रकाश की शक्ति लाता है और एडम का काला अंधेरे की शक्ति लाता है। वे हमारे पूर्वजों का खजाना है। वे भविष्यवाणी कर सकते थे कि मेलिंडा निश्चित रूप से वापस आने का रास्ता खोज लेगी और तुम में से दो लोग उस पर फिर से मुहर लगाने के लिए वंशज चुने गए हो। लूसी और एडम को उनके गले में पहने हुए ऑब से सर्वोच्च शक्ति विरासत में मिली थी, लेकिन उनके पास अभी भी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कौशल नहीं था। इसीलिए लूसी और एडम ने एक ट्रेनिंग में भाग लिया जिससे उन्हें एक बेहतर सहयोग मिला। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1000 साल पहले मेलिंडा को पूरी तरह से सील नहीं किया गया था। इसलिए जब मूर्ति चोरी हो गई तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा मूर्ति से बच सकता था और अस्थायी रूप से अपने वफादार शिष्य के शरीर पर रहता था, छायादार। इस बार मेलिंडा खुद उस बैरक में घुस गई जहां लूसी और एडम की पूरी जासूसी कर सके और उन्हें अलग कर सके। शादी, मेरे वफादार शिष्य, मुझे पश्चिम की ओर बैरक में ले जाओ जहां दो बच्चे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। मैं उन्हें विचलित करने का रास्ता खोजूंगी जिससे वे अलग हो जाएंगे। बैरक में लूसी और एडम ने मंत्रों का उपयोग करना और लड़ने के लिए जादू की छड़ी का उपयोग करना सीखा। क्योंकि वे पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। एक प्रशिक्षण सत्र के बाद जब लूसी ने अनजाने में एडम को घायल कर दिया, उसके बाद उन्होंने इतनी जोर से बहस की। लूसी, कृपया ध्यान दें, तुमने मुझे घायल कर दिया है। मुझे तुम जैसी कमजोर लड़की का साथी क्यों बनना है? ये बहुत बेकार है। लूसी का इरादा एडम के करीब आने और माफी मांगने का था, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद उसके आंसू छलकने लगे, फिर वो भाग गई। लूसी को वास्तव में बहुत बुरा लग रहा था और उसने रसोई में जाने का फैसला किया। एडम से माफी के रूप में एक केक बनाया। केक बनाने के बाद लूसी उसे एडम के पास ले गई। उसने रसोई के सामने छायादार को देखा। वो लूसी को केक एडम के पास लाने में मदद करना चाहता था। उस समय लूसी अभी भी अपने किए पे शर्मिंदा थी, इसलिए उसने शैडी को केक लाने दिया। शैडी ने चुपके से केक पर कुछ डाला, फिर वो प्रशिक्षण शिविर में आ गया और एडम को वो केक दिया, ये कहते हुए कि लूसी ने इसे उसके लिए बनाया था। एडम, जरा जाकर देखो कि मेरे पास क्या है। ये केक है जो लूसी से माफी भी है, कृपया इसे ले लो, उसे निराश मत करो। एडम ने केक लिया और खाने लगा। जैसे ही उसने केक खाना खत्म किया, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे संदेह था कि केवल लूसी ही ऐसा कर सकती है। फिर वो लूसी को खोजने निकला। लूसी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है कि हम एक साथ अच्छे ना हो, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर एडम तुरंत वहां से चला गया। लूसी वास्तव में हतबर थी, उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। स्थिति का फायदा उठाते हुए शैडी करीब आया और लूसी को दिलासा दिया। लूसी, रो मत, तुम सच में दयनीय हो। तुम्हारे सभी प्रयासों को एडम ने अस्वीकार कर दिया। आपको सच में उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन उसने आपसे बहुत बुरा भला कहा। कल मैंने उसे उस्तादों से बात करते हुए भी सुना कि वो मेलिंडा के खिलाफ अकेले लड़ेगा। उसने कहा कि तुम उसके लिए बोझ बन गई हो। एडम इतना दबंग है कि वो दूसरे की अवहेलना करता है। मैं अपनी ताकत से लड़ूंगी, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय लूसी परिवार का वफादार नौकर आया और उसे सूचित किया कि मेलिंडा के शिष्यों ने उसके माता पिता को पकड़ लिया है। लूसी, लूसी, मेलिंडा के शिष्य आपके माता पिता और एडम के माता पिता को ले गए हैं।
लूसी तुरंत अपने माता पिता को बचाने के लिए निकल पड़ी। बैरक के अंदर एडम ने गुस्से में जो कुछ कहा था उसके लिए उसे बहुत पछतावा हो रहा था। क्या मैंने लूसी को चोट पहुंचाई? मैं बहुत बुरा हूं। एडम ने लूसी को खोजने और उसे क्षमा करने का इरादा किया, लेकिन उसके ठीक बाद एडम को उसके माता पिता के बारे में खबर मिली, जिन्हें मेलिंडा के शिष्यों द्वारा पास ही के एक पत्थर की गुफा में ले गया गया था। वो तुरंत उस गुफा में पहुंचा। लूसी और एडम उसी समय गुफा में पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस स्थिति पर क्या करना है। वे एक साथ गुफा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि उनके माता पिता लकड़ी के ढेर पर बंधे हुए थे। मेलिंडा के दो शिष्य इन ढेरों के नीचे खड़े थे और अपने हाथों में एक जलती हुई मशाल लिए हुए थे। दोनों बच्चे काले रंग में पुरुषों के खिलाफ लड़ने और अपने माता पिता को बचाने के लिए आने वाले थे। तभी उन्होंने मूर्ति से एक आवाज सुनाई दी। मूर्ख बच्चे, अंत में आप फंस गए। अपनी छोटी सी शक्ति के साथ और आपको लगता है कि मुझे हरा सकते हो? मेरे माता पिता को रिहा करो और हमारे साथ लड़ो। उन्हें तुरंत रिहा करें, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। अपने माता पिता को बचा सकते हो? आपको सिर्फ आभूषणों को संभालने की जरूरत है, या आपके माता पिता डायन की लौ से जल जाएंगे। क्या आप अपने माता पिता के जीवन के साथ दाव लगाना चाहते हैं? माता पिता के मना करने के बावजूद दोनों बच्चों ने मेलिंडा को अपना आभूषण सौंपने का फैसला किया। नहीं नहीं, आप ये नहीं कर सकते, उसका विश्वास मत करो। दोनों बच्चों ने मूर्ति के बाईं छाती पर अपने छेद के अंदर गहने डाल दिए। तुरंत एक प्रकाश चमका, मूर्ति टूट गई और मेलिंडा का पुनर्जन्म हुआ। मेलिंडा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, इतनी देर हो गई है कि पिछली बार जब मैं सूरज की रोशनी को सीधे इस तरह देख सकती थी, इतने आराम से। हमने आपकी मोहर तोड़ दी है, अपना वादा निभाएं और मेरे माता पिता को छोड़ दें। कितने भले हैं ये बच्चे, आपको लगता है कि मैं वादा निभाऊंगी? न केवल तुम्हारे माता पिता बल्कि तुम दोनों को भी मार डाला जाएगा। फिर मेरे साथ कोई खतरा नहीं होगा, मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। छोटी लड़की, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, तुम्हें हमारा पक्ष लेना होगा। तुम्हारा साथी वास्तव में तुम्हारा अनादर करता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी प्रतिभा देख सकती हूँ। लूसी अपने ही विचारों में खो गई थी। लूसी, उस पर विश्वास मत करो, तुम हमेशा से सबसे अच्छी साथी हो। मुझे उन शब्दों के लिए खेद है जो मैंने कहा कि आपको चोट लगी है, लेकिन आप वास्तव में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एडम की बातों ने लूसी को जगाया। तुम झूठी हो, तुम इतनी क्रूर हो, मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। मेलिंडा गुस्से में थी और उसने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। लूसी और एडम ने उसके खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की, हालांकि वे ये नहीं जानते थे कि अच्छी तरह से सहयोग कैसे किया जाए। एडम हमला करने के लिए आगे बढ़ा और लूसी ने वही किया। वो एडम के ठीक सामने खड़ी हो गई, जिससे वो हमला करने में असमर्थ हो गया। लड़ाई वास्तव में तनावपूर्ण थी। हालांकि दो बच्चों ने अभी अभी अपने गहने खो दिए थे, मेलिंडा चालाकी से मुस्कुराई। उसने एक जादू कर दिया, एक काला धुआं उनकी तलाश करने उड़ गया। एडम तुरंत दौड़ा और लूसी को बाहर ढकेल दिया। उसके शरीर के चारों ओर काला धुआं घूम गया। एडम जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे बेहोश हो गया। लूसी जल्दी से एडम की ओर दौड़ी, उसने उसे उठाया और ऐसा लग रहा था कि उसे एडम के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया है। जागो एडम, मैंने ये नहीं कहा कि तुम अच्छे टीम के साथी हो, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे दोस्त बनोगे, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लूसी ने एडम का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे गले लगाया और रो पड़ी। उसका एक आंसू एडम के सीने पर गिरा, जिससे एक रोशनी पैदा हुई और जिसने उन दोनों को ढक दिया। एडम जाग गया, दोनों अंगारे अचानक चमक उठे और बच्चों की ओर उड़ गए। उस समय बच्चों ने महसूस किया कि गहने की शक्ति उनके विश्वास, सहयोग और प्रेम से ही नष्ट हो सकती है। मेलिंडा ने दो बच्चों पर पागलपन से हमला किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। एडम और लूसी ने हाथ पकड़कर मेलिंडा को एक बार फिर से मूर्ति में सील करने के लिए एक साथ जादू किया। वहीं मेलिंडा के दो शिष्य भी हार गए। मेलिंडा को एक बार फिर हमेशा के लिए सील कर दिया था। शहर पहले की तरह शांतिपूर्ण हो गए। एक साथ मौत की चुनौती पर काबू पाने के बाद लूसी और एडम आखिरकार समझ गए और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दो बच्चों के बीच हाथ मिलाना खूबसूरत प्यार का एक उज्जवल संकेत था। हालांकि बुरी चीजें अभी भी कहीं बाहर है, लेकिन एक बार फिर बहादुर लोग थे जो खड़े होकर दूसरों की रक्षा करने का साहस करते थे। वे हमेशा के लिए हारे हुए होंगे,